खुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरे भारत इसकी मार झेल रहा है। देश के कई राज्यों को मौसम विभाग ने हाई अलर्ट पर रखा है। बता दें, कुदरत के इस कहर से जम्मू में हाल के कुछ दिनों में बादल फट गया, जिससे वहां पर सैकड़ों भेड़ बकरी की जान चली गई। वह यूपी के आगरा में आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले वहां पर तेज आंधी तूफान के चलते 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और अब फिर तेज आंधी के चलते 9 जिलों में तूफान, बारिश और अंधड़ की मार से 16 लोग और 22 जानवरों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हुए और इसके साथ ही 6 परिवार की आशियाने भी उजड़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश के राहत बचाव कार्य के अधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों के घर इस आंधी तूफान में गिर गए हैं, उनको मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से आंधी तूफान का सिलसिला चल रहा है, और मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 मई को फिर ऐसे हालात बन सकते हैं। और मौसम विभाग ने यूपी में हाई अलर्ट जारी किया। देखा जाए तो आंधी तूफान के चलते सबसे ज्यादा यूपी में नुकसान हुआ है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।